पूर्वक भारत मूल की एक जनजाति की महारानी को आप फर्जी बता रहे हो। इससे आदिवासियों के बारे में कांग्रेस का और आपका सोच समझ में आता है। आपको सिर्फ असली इटली की महारानी नजर आती है, दूसरे नजर नहीं आते। और सोनिया गांधी जी को अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए कि वो कमलनाथ जी के मत से सहमत है कि असहमत है, जो कि रानी कमलापत जी को फर्जी बता रहे हैं। मैंने भी बयान सुना, मैं निंदा करता हूं इस बयान की, घोर भर्त्सना करता हूं, जिस तरह से कमलनाथ जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है रानी कमलापत जी के बारे में, उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए। सर, कमलनाथ जी ने ट्वीट किया जिसमें कहा है कि अगर समाज के लिए भी आयोग किया जाएगा, लगातार अलग अलग वर्गों को साधने के लिए घोषणाएं कर रहे हैं, घोषणा पत्र पर भी वचन पत्र समिति की बैठक। वो वचन पत्र नहीं, छलावा पत्र है। पिछली बार वो जो छलावा दे चुके हैं, धोखा दे चुके हैं, उसकी पुनरावृत्ति करने की कोशिश है। मैंने समाचार देखा, उसमें उनने 60 सीटें दिग्विजय सिंह जी को दे दी हैं, बंटाधार जी को। मतलब 60 पे तो उनने मान लिया कि हम जीत ही नहीं रहे, अब तो 170 के लिए लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, जहां हार उन्हें स्वीकार कर ली है। वातानुकूलित कमरों में बैठ के कमलनाथ जी जनता के बीच कभी जाते नहीं है। वचन पत्र के नाम पर वो करते हैं, लेकिन अब नकाब उतर चुका है, गेम ओवर हो चुका है। जनता जान चुकी है कि ये छलावा है, छलावा समिति की बैठक। सर, जो वर्गों को साधने की कोशिश पूरी हो, सेन समाज हो, आज सेन जयंती पर हम आयोग बनाएंगे और इसके साथ ही स्मारक पर हम एक स्मारक बनाएंगे उनकी जन्मस्थली पर। मैं कह रहा हूँ कि ये कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी सरकार आना नहीं है, लेना देना कुछ है नहीं है, सिर्फ जनता में भ्रम पैदा करना है, छलावा पैदा करना है पिछली बार की तरह। और पिछली बार की तरह जनता इस बार ये सब गलती करने वाली नहीं है। जो उनका पूरा का पूरा घोषणा पत्र कागजी पुलंदा है, रीप्रिंट कर रहे हैं वो, सिर्फ ये रीप्रिंट होने वाला है और कुछ नहीं। तारीखें चेंज होंगी, बाकी तो सब पुराना है। कमलनाथ 17 नेताओं को अलग अलग सीटों की जिम्मेदारी दे रहे हैं, अजय सिंह हो गए, अरुण यादव हो गए, बाला बच्चन, वो दे दे, मानता कौन है उनकी? अब जिनके आपने नाम लिए, अजय सिंह जी के, अरुण यादव जी के, आपको कहीं देखे क्या मध्य प्रदेश में प्रभास? जब कमलनाथ जी खुद ही नहीं जा रहे हैं तो कोई क्या जाएगा? कागजों की जिम्मेदारी है, कागजों पे देते हैं, कागजों पे ही एक दिन की यात्रा होती है। अभी तक एक दर्जन यात्राओं को हरी झंडी दिखाई उनने, सतना में भी और बाकी जगह पे भी, बाल आयोग, बाल कांग्रेस तक। आप बता दो एक भी यात्रा कहीं नजर आई हो नक्शे पर। पहले दिन जिस दिन वो झंडी दिखाते हैं उस दिन तो दिखती है वो, उसके बाद कहाँ विलुप्त हो जाती है पता ही नहीं चलता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।